देखिए, हाल फिलहाल तो देश का मुसलमान एज ए होल लीडरलेस महसूस कर रहा है अपने आप को, असुरक्षित महसूस कर रहा है पूरी तरह से, और वो बराबर ये महसूस कर रहा है कि कांग्रेस ने तो करी, बीजेपी तो रोजाना चिल्लाती रहती है पर कांग्रेस ने भी पूरी तरह से सत्यानाश कर दिया है। आज की तारीख में कहीं भी कोई लेना देना नहीं है, पॉलिटिकली कोई लेना देना नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में कोई लेना देना नहीं है, और इवन वो तो इतना इनसेक्योर अपने आप को महसूस करने लग गया है कि उसको जस्टिस भी कहीं नहीं मिलेगा। पिछले कुछ सालों से यूपीएससी के जो रिजल्ट्स आए हैं और उसमें जो मुस्लिम यूथ्स ने रिमार्केबल जो परफॉर्मेंस दी है, और लास्ट ईयर तो देवर मोर देन 50 इन द अमाउंट लेस देन 1000 कैंडिडेट्स, उससे कुछ एक रोशनी दिख रही है कि वो आने वाली पीढ़ी कम से कम उस जगह पर अपना मुकाम बनाएगी और फिर उसके बाद में लीडरशिप को भी सपोर्ट मिलेगा और लीडरशिप भी आएगी। पर जब जब इन दोनों के अलावा तीसरी शक्ति मजबूत होगी तभी मुसलमानों की गिनती होगी और हमें कमज़ोर सरकारें बनाने पर ही जोर देना होगा, तभी जाकर के हमें कोई मजबूत सरकारों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सबसे ज़्यादा बहुमत राजीव गांधी का रहा और सबसे ज़्यादा नुकसान उस बहुमत के बल पर उसने मुसलमानों का किया। राजस्थान राज्य लगभग बाईपोलर पॉलिटिक्स यहाँ पर है, दो ही पार्टियाँ हैं, दोनों ही पार्टियों में चलता रहता है, तो ये तय है कि बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। इसके बीच में मुसलमान सिर्फ इतनी सी कोशिश कर रहा है कि जहाँ कहीं भी हो सके कुछ कम्युनिस्ट, कुछ बसपा, कुछ आप या और जो भी कोई तीसरी छोटी मोटी जमातें हैं, उन लोगों के कुछ कैंडिडेट्स बीच में से आ जाएं जिससे वो ताकतें भी धीरे धीरे बढ़ती रहे और वो इन दोनों पर लगाम रख सकें। नहीं, फिलहाल तो कांग्रेस ने बिल्कुल ये पूरी तरह से ये साबित करने पर तुली हुई है कि हम ना तो मुसलमानों से मोल भाव कर रहे हैं, ना हम मुसलमानों से कोई बातचीत कर रहे हैं, ना कोई ज़्यादा पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट डायलॉग कर रहे हैं, इसलिए वो तो अवॉइड करने को कोशिश कर भी रहे हैं और उसको जाहिर भी कर रहे हैं, ये उन्होंने एजेंडा बना रखा है। तो अभी तो कोई ऐसी बात किसी से है नहीं कहीं भी, जो पहले हर बार होता था, हर बार जब कभी भी विधानसभा इलेक्शन आते थे तो दो दो तीन तीन महीने पहले से डायलॉग शुरू हो जाता था, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है और ना होने की उम्मीद है।